नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर M6 और गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे स्टॉक्स जिनको अगर आप परचेज करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी टाइम से नीचे गिर रहे हैं और ये 100 से 500 रुपये की रेंज के स्टॉक्स हैं, तो आप आसानी से इनको खरीद भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। जो भी मैं स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, यानी कि आपको पोजिशनल उनको रखना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन आपको उनको रखना पड़ेगा, तब आपको उनमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देने लग जाएगी। हो सकता है कि वो आपको 3 से 4 दिन में भी प्रॉफिट दे दे, या हो सकता है कि वो टाइम ले, बट ये गारंटी है कि वो शेयर्स आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगा, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कहां से कहां आ चुके हैं वो शेयर्स, यानी कि बहुत कम दामों में आपको मिल रहे हैं और आप अगर उनको ट्रेडिंग करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो उनको कर सकते हैं। अब बात करता हूं दोस्तों मार्केट अपडेट की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था निफ्टी के बारे में कि 15,800 के आसपास की सपोर्ट ले रही है और उस सपोर्ट से ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। वो हमने देखा उस सेम डे में आपको जो मूवमेंट मिली, वहां से ऊपर गया 15,900 के बाद, उसने 16,356 के आसपास का हाई बनाया लेकिन 16,400 का रेजिस्टेंस नहीं ले पाया और वहां से वापस नीचे आके फिर से 15,800 के आसपास आके बंद हो गया। तो जो हमने देखा वहाँ पे 15,800 की सपोर्ट, वो आज भी आप देख सकते हो मार्केट में 15,800 की सपोर्ट के ऊपर जब मार्केट गया है तो उसने आपको एक मूवमेंट दिया है अच्छा खासा, 16,200 के आसपास अभी चलने वाला है, पहुँचने वाला है 16,150-200 के आसपास की रेंज यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है दोस्तों कि 16,200 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आपको 16,400 के आसपास के लेवल मिलते हैं, अगर 16,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 17,000 तक के लेवल आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात करता हूं उन 5 स्टॉक्स की जिनको आप परचेज कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको चार्ट में दिखाऊंगा, चार्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से यहां पर स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा हिंडाल्को की। अगर आप हिंडाल्को में देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो हाई लेवल है वो यहाँ पर है, यानी कि ये जो प्राइस है वो 550 रुपये के आसपास है। ये कब था आपका दोस्तों, 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को 548 के बाद ये टूटना शुरू हुआ और इसके जो प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी जो इसने लो लगाया रिसेंट लो, वो है 383 रुपये का, 383 रुपये का लो लगाने के बाद ये अभी ऊपर की तरफ चाल ले रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ इसको कि ये 500 रुपये तक आराम से जा सकता है। अगर आप इससे परचेज करते हैं तो आप इससे परचेज कर सकते हैं, आप 50% क्वांटिटी अभी परचेज कर सकते हो, 50% क्वांटिटी अगर ये नीचे जाता है तो, और 20-25 रुपए नीचे जाता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आराम से आपको 500 रुपए के टारगेट्स मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं इसका ग्राफ, इसके ग्राफ को देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल रही है। ये जो मैंने लगा रखा है ये 1 आवर का चार्ट है हिंडाल्को का दोस्तों। ठीक है, अगर आप और भी पीछे जाके देखना चाहते हैं तो और पीछे जाके भी इसके मूवमेंट देख सकते हैं, ये कितने कब से कब तक क्या रेट था इसका। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरा अगर मैं इसका हाई दिखाऊं तो ये जो हाई है वो है आपका मार्च में। ठीक है, 29 मार्च को इसका जो प्राइस था दोस्तों वो था 634 रुपये, 634 रुपीस। ठीक है, तो ये जो ये चार्ट की मूवमेंट है, इस चार्ट की मूवमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी डाउन जा चुका है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा शेयर दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको, दूसरा शेयर है विप्रो का। ठीक है, विप्रो के शेयर में अगर मैं आपको बात करूं तो विप्रो के शेयर में भी आप देख सकते हो किस तरीके से डाउनफॉल आया। विप्रो का शेयर जो हाई था उसका, वो अभी रीसेंट हाई अगर की अगर मैं बात करूं तो वो 613 रुपये के आसपास का रीसेंट हाई है इसका, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है दोस्तों वो है 460 रुपये। ठीक है, 613 से 460 रुपये, और जो इसने लो लगाया अभी 450 रुपये का, यहाँ पर आप देख सकते हो कल ही जो इसका लोएस्ट लो था वो था 450 रुपये 60 पैसे का। इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप विप्रो के शेयर बाय करते हो, क्योंकि बड़ी कंपनी है, इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसके प्राइस हैं वो 460 रुपये भी चल रहे हैं, मैं इसको कम से कम 600 रुपए तक देख रहा हूं आने वाले 3 से 4 महीने में, और अगर आपका थोड़ा कम होराइजन रखते हैं तो भी आप यहां पे देख सकते हैं कि 550 के लेवल से आपको बहुत आराम से इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये था दूसरा शेयर दोस्तों। इसके बाद अगर मैं अगले शेयर की बात करूं तो वो है यहां पर टाटा मोटर्स। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर जो है, आप टाटा की कंपनी के बारे में आप जानते हैं कितनी ट्रस्टेड कंपनी है, और इसका शेयर भी अभी देखो आप नीचे, अगर देखोगे यहां पर काफी नीचे गया था, ये 370 रुपए तक जा चुका है और
और अभी जो है 418 रुपए का इसका प्राइस चल रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका जो ये 600 बड़े आराम से आ जाता है, ठीक है। अगर आप 2 से 3 महीने का ओरिजन रखेंगे, आपको आराम से 500-550 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके अलावा जो है वो है दोस्तों बैंक का शेयर, दो बैंक के शेयर भी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। एक बैंक का शेयर यहाँ पर है आपका बैंक इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे तो 1 आवर का चार्ट मैंने ये लगा रखा है। इसमें आप देखोगे कि इसका रेट जो है वो 52-53 रुपये तक ऑलमोस्ट जा चुका है और अप्रैल के बाद ये टूटना शुरू हुआ है। जैसे मार्केट अब जो टूट ही रही है, ग्लोबल मार्केट सब टूट रहा है, तो यहाँ पर अब देखोगे कि 40 रुपये का यहाँ पर इसने लो लगाया और लो से अब ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, 44.95 रुपये तक पहुँच गया, ठीक है। इस बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको स्टॉक्स परचेज करने तो आप 50% अभी परचेज कर सकते हो और 50% थोड़ा और नीचे जाने के आसपास 44 रुपये अभी चल रहा है, 44.90 रुपये अभी चल रहा है, 40 रुपये के आसपास अगर आपको फिर से दिखे तो आप 50% क्वांटिटी और परचेज कर सकते हो और ये भी शेयर आपको 2 महीने के अंदर अंदर 50 रुपये के आसपास आराम से दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप इसमें बाय करना चाहते हो। 44 रुपये का शेयर है, 100 शेयर 200 शेयर जितने आपको मन करे उतने ले सकते हो कम से कम क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर पीएनबी की बात करूँ, पीएनबी का शेयर जो 5वें नंबर पर आता है, पीएनबी में भी आप देख सकते हो सेम डे से गिरावट शुरू हुई है और अभी ये भी 29.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आराम से 38-40 रुपये तक मैंने इसको देखा था पिछले 3-4 महीने में, ठीक है। तो अभी ये भी 27-28 रुपये के आसपास अभी चल रहा है, अगर आप यहाँ से इसको बाय करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपको 35-40 रुपये के आसपास का रेट बहुत आराम से 2-3 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे 5 शेयर जिनमें आप ट्रेडिंग करके अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा चैनल को। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।